जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक दफ़ा फिर रिफ़त अपने वीवर्स की खिदमत में हाज़िर है। कुकिंग विद रिफ़त में एक नई रेसिपी, एक बहुत ही मज़ेदार की गर्मा गर्म जनाब जलेबियों के साथ जो आज हम अपने घर में बना रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी रेसिपी शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी दोस्तों, आज हम अपने घर में होममेड बना रहे हैं जी गर्मा गर्म जलेबी। जलेबियों के लिए मैंने लिया है ये 3 कप मैदा। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून जो है यीस्ट यानी खमीर, ठीक है जी, ये डाल दिया है। इसके लिए हमें, आप हाथों की मदद से भी कर रहे हैं लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ बीटर। सबसे पहले हम ये पानी डालेंगे एक नीम गर्म, और बीटर की मदद से हम जो है इसको करेंगे जनाब मैश। हमने, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको, इसका जो मैदा है इसको हमने कैसा रखना है, ठीक है जी। का जो है वो पतला नहीं, बीटर से हमें बड़ा इजी हो जाता है, चम्मच से थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए बड़ा ही मज़े का, ये देखिए इस तरह का हमने ये जो है अपना मैदा तैयार करना है। अब ये 1 मिनट हम और इसे बीट करेंगे जी व्यूअर्स। ये देखें बीटर की मदद से हमारा मैदा जलेबियों के लिए ये हमने रखना है जी, इतना थिक होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा तैयार है, अब हम इसको रखते हैं साइड पे और अपना अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, हमने अपना मैदा तैयार कर लिया, अब हमने ऊपर रख दी कढ़ाई, हम बनाने लगे हैं जी चाशनी। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। ये वाला कप जो है ये मैंने लिए हैं जी चीनी के 2 कप, ठीक है जी, 2 कप मैंने चीनी डाल दी। ये हम बना रहे हैं जी अपनी जलेबियों के लिए चाशनी, और इसमें जो मैं पानी डालने जा रहा हूँ वो जी मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 3 कप, ठीक है जी। ये मैं आपको बताता हूँ चाशनी हमारी तैयार हो रही जलेबियों के लिए। बड़ा आज तो जनाब मज़े का काम हो रहा है, मीठा मीठा। और इसमें हम डाल रहे हैं 4 से 5 ग्रीन इलायची, ठीक है जी। जी तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने बड़े प्यार से जो है इसको ऐसे हल्का हल्का हिलाते जाना है, और ये 5 से 7 मिनट में हमारी जो इलायची चाशनी है वो तैयार हो जाएगी। जी दोस्तों, ये देखिए हमारी चाशनी में उबाल आने शुरू हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ जी सफ़ेद सिरका। ये सिरके, ये देखिए ये सिरके का ये है कि चाशनी जो है हमारी ये जमेगी नहीं, ठीक है जी, ये जमती नहीं सिरके की वजह से चाशनी। अब जब भी घर में बनाएं, आप चाशनी बनाएं तो सिरका जो 1 टेबल स्पून जो है वो मस्ट डालें। अगर थोड़ी चाशनी बना रहे हैं तो उसमें आप 1 टीस्पून सिरका डाल लें, ठीक है जी। जी दोस्तों, देखिए हमारी चाशनी तैयार हो रही है। अभी ये हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा हम इसे थिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, कई लोग जो हैं पसंद करते हैं वाइट जलेबियाँ, अक्सर हम मेलों पे देखते हैं जी वाइट जलेबियाँ जो होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं, और कुछ को पसंद है कलर वाली, ठीक है, मैं इसमें जर्दा कलर जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप कलर फूड कोई भी डाल लें, ग्रीन डाल लें, ठीक है जी, रेड डाल लें, जैसा आपको कलर पसंद। लेकिन इसको मैंने हल्का सा टच दे दिया है जी अपना जर्दा कलर, ठीक है जी। बहुत ही मज़े की चाशनी हमारी तैयार होने वाली है, तो हम चाशनी तैयार करके आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, मैंने जर्दा कलर डाला था, लाइट सा मैंने किया है इसको, चाहे आप डार्क कर लें। बाज़ारों में आप देखें बहुत ही ज़्यादा कलर उन्होंने डाला होता है। इस तरह का हमने अपना मैदा जो जी तैयार करना है, कलर हमने डाल दिया है, चाशनी हमारी तैयार होने वाली है, तो हम अपना आगे प्रोसेस जो जलेबियाँ निकालने का वो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तकरीबन ये 12 से 13 मिनट लगे हैं, चाशनी हमारी तैयार है। ये देखें जब हमारी ये चाशनी में ये तार बननी शुरू हो जाए, ये देखें ये तार बन रही है, तब हमारी चाशनी जो है ये तैयार है, ये इसकी पहचान है। ये देखें एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ, ये देखें ये देखें ये तार बन रही है, ठीक है जी। चाशनी तैयार है, फ्लेम को करते हैं बंद, और अब हमने क्या करना है, इसको हमने कवर करके
एक साइड पे रख देना है, इसके नीचे हम आग नहीं जलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल आ जाए टेम्परेचर। अगर हम गरम गरम चाशनी में डालेंगे, जैसे ये मैंने चूल्हे से रिमूव किया है, तो होगा यूँ कि जब आप जलेबी डालेंगे वो अकड़ जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, कढ़ाई हमने ऊपर रख दी है, आयल अंदर डाल दी है। ठीक है जी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो मैदा है वो किस तरह से हम जलेबियाँ निकालनी है, किस में डालना है। जी ये हमारा मैदा है जो तैयार हो चुका है, तेल हमारा गर्म होने वाला है। हमने करना है, एक तो ये केचप वाली आम दुकान से बोतल मिल जाती, इसमें मैं निकालूंगा, इसमें रखूंगा ऊपर कीफ, और इस कीफ की मदद से इस बोतल को मैं मैदे से भर लूंगा। ठीक है जी, और दूसरा इसका है जी कपड़ा, वो वैसे बाज़ार से मिलता है, 50-60 रुपए का वो कपड़ा मिलता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जी दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आयल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम डालेंगे, फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा कम कर लेना। जी आयल हमारा गर्म है तो हम अपनी जलेबियाँ जो है वो शुरू करते हैं। बहुत ही जनाब मज़े की हमारी जलेबी। ये मैं आपको बता दूं एक बात, हमें ये पता है कि हम घर में अपना साफ़ सुथरी जलेबी निकाल रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे मौसम चेंज हो गया है, गर्मी आ रही है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा अपने बच्चों को घर में जलेबी वगैरह निकाल के दें, क्योंकि मक्खियों का सीज़न है, वो आपको पता है वो जहर से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंजर है। ठीक है जी, एक मिनट के बाद हम देखते हैं जैसे हमारा ये रेड होगा, बहुत मज़े की जलेबी निकल रही है जी, हम वेट करते हैं इसको रेड होने का। जी व्यूअर्स ये देखिए एक साइड से रेड हो गई है, इसको मैं कर रहा हूँ चेंज। अच्छा मुझे तो बड़ी पसंद है जी रेड रेड जलेबियाँ, कलर मैंने कम डाला है, अगर आप इसमें कलर ज़्यादा, ये देखें ये भी इधर से पक चुकी है बहुत, ये देखें जैसे ये रेड हो चुकी है, ये बहुत ही मज़े की जलेबी बनी है जनाब। घर में अपने बच्चों को खिलाएं, इंजॉय करें, बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही शानदार जनाब, और फैमिली के साथ इंजॉय करें। ठीक है जी, ये अब हम करते हैं इसको रिमूव, अपनी चाशनी में डालते हैं। जी दोस्तों ये देखें ये जलेबी पक चुकी है, इसको हमने अपनी चाशनी में डाल दिया, यूँ डिप करते जाएंगे एक एक पीस को निकाल के, ये देखें इस तरह हम डिप करते जाएंगे। हमने चाशनी के नीचे आग नहीं जलाई। ठीक है जी, अगर हम आग जलाएंगे तो हमारी जलेबी जो है वो ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगी। ठीक है जी, ये देखें जी इसको अब हम 1 से 2 मिनट इसी में रहने देते हैं, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। जी ये देखें अब मैंने नेक्स्ट जो है वो जलेबियाँ ऑयल में डाल दी हैं। अब हमारी जो दिखाइएगा ज़रा कैमरा इधर लाइएगा। अच्छा अब इसका तरीका जो मैंने किया है जी, ये मेरे पास एक जाली है, इसको मैंने रख दिया इधर और चाशनी के ऊपर, इसमें मैं रखूँगा ताकि तमाम जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे कढ़ाई में जाए, हमारी जो चाशनी है वो ज़ाया। ये देखें बहुत प्यारा तरीका है, हर घर में ये चीज़ें होती हैं, अगर नहीं तो बाज़ार से मंगवा लें। ये देखें जी ये तमाम जो एक्स्ट्रा चाशनी है हमारी कढ़ाई में जाएगी। जी दोस्तों अब हम ये चाशनी हमारी एक्स्ट्रा निकल चुकी है, अब हम करते हैं जी इसे डिश आउट, जो हमारे प्यारे प्यारे मेहमान आएंगे उनको हम बड़े मज़े की जनाब घर की बनी जलेबी खिलाएंगे और वो भी इंजॉय करेंगे। ये देखें जी बहुत शानदार, बड़ी ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हम मेलों में जाएँ तो मेलों पे जलेबियाँ निकल रही होती तो वहाँ पे खुशबू आती है। ये जी हमने डिश आउट कर दिया, हमारी आज की रेसिपी बहुत मज़े की जलेबी तैयार है, और आज मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ कि आम लोगों के चेहरों पे देखा जी गड़े पड़े होते हैं, इनको ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें थोड़ा सा जितनी मतलब 2 चम्मच अगर मुल्तानी मिट्टी है तो 2 चम्मच आपने अरके गुलाब उसमें मिलाकर अच्छी तरह पेस्ट बना लेनी है। ठीक है जी, और उसको अपने चेहरे पे उस पेस्ट को 10 से 15 मिनट लगाने के बाद, 15 मिनट के बाद आपने ताज़ा पानी से
उसको धो लेना है, और ये 15 से 20 दिन तक ये आप ये अमल को जारी रखें, और इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे से गड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें, लाइक करते हुए बेल आइकन को दबा दें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्यारी सी खुशबूदार और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ रिफत आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। खुश रहें, आबाद रहें, और रिफत को अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।